मथुरा थाना कोतवाली वृंदावन पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए मंदिरों के आसपास खड़ी गाड़ियों का शीशा काटकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 6 अभियुक्तों को दर्द पहुंचा है, जिसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। मथुरा के थाना वृंदावन पुलिस को उस समय सफलता हासिल हुई जब मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सलम मथुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मंदिरों के पास गाड़ियों से चोरी करने वाले गैंग के सदस्य क्षेत्र में आए हुए हैं, जो कि किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी, जहां थाना कोतवाली वृंदावन क्षेत्र के श्री निमकाचार्य द्वार के पास छटिकरा की तरफ से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से श्रद्धालुओं से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण और 22 एंड्रॉइड मोबाइल कीपैड नशीला पदार्थ सहित करीब 6,000 की नकदी भी बरामद की है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से घटनाओं में शामिल एक टेम्पो को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो कि मथुरा जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले हैं, जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वृंदावन पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 12 बजे से 3 बजे तक घुमंतु गिरोहों को पकड़ने के लिए या उनके लिए अभियान चल रहा था, उसी क्रम पे कल रात 3 बजे या आज सुबह लगभग 3 बजे ये अभियुक्त 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो वृंदावन में गाड़ियों के शीशे काट के उनसे लगातार चोरियाँ कर रहे थे। ये एक चोरी हुई थी 18/8/19 को, दूसरी इन्होंने 22/8 को किया। लगातार 4 दिन के अंतराल में इन्होंने चोरी किया इस्कॉन मंदिर के पास। तो उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पता चला, उन्होंने टीम बनाई और प्रभारी वृंदावन है उन्होंने इनकी खुद इन्होंने टीम पे शामिल हुए और लगातार उस पर ये सर्वलांस के जरिए वैसे भी मुखबिरों से जानकारी करते रहे। तो आज सुबह सफलता मिली है, जिसमें 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनसे भारी संख्या पे माल बरामद हुआ है। इनके पास से 122 मोबाइल बरामद हुए हैं, एंड्रॉइड मोबाइल, बहुत ही महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं, और 990 ग्राम लगभग 1 किलो नशीला पाउडर भी बरामद हुआ है इनसे, और 4 कंगन पीली धातु के, 2 चैन पीली धातु की, 4 जोड़ी पाजेब सफ़ेद धातु की, 1 चैन मै लॉकेट सफ़ेद धातु का, 2 अंगूठी पीली धातु की और 2 जोड़ी बिछुए सफ़ेद धातु के, और 2 जिनसे वारदात करते थे 2 टेम्पो भी बरामद हुए हैं। ये वृंदावन पे है तो इनका गिरोह बहुत पुराना है, इसका एक मुकदमा लिखा गया था 2016 में, उसका भी एक मोबाइल बरामद हुआ है। मगर बाहर के श्रद्धालु आते थे, उनका सामान चोरी हो जाता था, मगर वो लोग FIR नहीं कराते थे, वो दहने बाएँ खोजे इसके बाद चले जाते थे। मगर ये बड़ी घटनाएं हुई जिस पे टीमें बनी और ये अभियुक्त ये पकड़े गए। बहुत ही शातिर किस्म के अभियुक्त हैं, इन पे सब में इनका आपराधिक इतिहास है, और जो 6 हैं 6 के 6 पे कम से कम 5-5, 6 से सभी पर मुकदमे। मेन सभी हैं, सभी गिरोह के रूप में काम करते हैं, और भी सदस्य फरार हैं। पूछताछ चल रही है, सभी थानों से इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। शहर में जो और घटनाएं चोरी की हुई हैं या शीशा कटिंग की जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पूछताछ चल रही है, और कहां कहां पे FIR पंजीकृत हैं उनकी जानकारी की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन, अ JBD Banquets एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।